हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम सहिरा हम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी शादी किससे होने वाली है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी टाइप, अच्छाइयां बुराइयां, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्या काम करते होंगे, क्या एज होगी, वो सब कुछ। और साथ ही साथ मैं टाइम भी देखने वाली हूँ कि कब तक आपकी शादी होगी। और अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग्स जो आती हैं शादियों के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज निकल आते हैं, जैसे कि शादी तो होगी लेकिन ये करने के बाद होगी, राइट। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई आप आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हैं और जो पुजारी लोग हैं उनसे पूछिएगा, या फिर मैं कुछ मंत्रास वगैरह शेयर कर देती हूँ कि आप ये मंत्रा चैंट करिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो देखूंगी कि आज की रीडिंग में कुछ ऐसा है क्या। अगर होगा तो जो मंत्रास मैं शेयर करती हूँ वो आपको शेयर कर दूंगी, उससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं बताती। यही क्रिस्टल्स वगैरह ही सजेस्ट करती हूँ और मंत्रास वगैरह सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो एट द एंड भगवान ही करने वाले हैं सब कुछ। इंसानों के हाथों में कुछ नहीं होता। सो मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देती या कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं देती कि हाँ ये करो पक्का काम बन ही जाएगा। नहीं, मैं बोलती हूँ कि भाई ये चीजें आप कर सकते हो। भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है वो बताती हूँ। अभी आप कितने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो वो आप पर फिर बनता है, तो वही मैं यहां भी करने वाली हूँ। ओके, शेयर करूंगी, बताऊंगी। आज रीडिंग हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन हेल्प तो हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ये क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ आजकल में, कि इसमें टाइम बहुत लगता है। मेरे पास उतना टाइम उतनी एनर्जी अभी नहीं है कि मुझे देखना है सबको, फैमिली को, हेल्थ अच्छी नहीं है और पापा को भी संभालना होता है, मेरी हेल्थ नहीं मतलब घर में ही। मैं तो ठीक ठाक हूँ, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा, तो उतना नहीं अभी मिलता है टाइम, बट मैं करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके के, ये मैं सभी को बोल देती हूँ कि नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं। सो ब्रेक लिया है मैंने इस क्वेश्चन से, तो मुझे लगा कि आज ये रीडिंग मुझे कर देनी चाहिए, जनरल रीडिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों की इससे हेल्प हो जाएगी और जो टेंशन है परेशानी है थोड़ी खत्म होगी, है ना, थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। और रीडिंग को देखने के लिए देखो मैंने रखे हैं यहाँ पर ग्रुप्स, और मैं काम करती हूँ, मैं ये पेबल भी रख देती हूँ, किसी को ग्रुप्स ना अच्छे लगे तो वो पेबल सिलेक्ट कर सकता है। एक तो ये हो गया हग्स, और एक और देख लेते हैं ये क्या है, प्रे। ठीक है, तो ये दो पेबल्स हो गए, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो पेबल आप सिलेक्ट कर लो, या जो ग्रुप आपको अच्छा लगे वो ग्रुप अच्छा लगे, मतलब जिसमें आपका बर्थ मंथ हो वो ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो। ओके, अच्छा लगे नहीं, और उसके आधार पर आपने देखनी है रीडिंग। देखो पहला जो ग्रुप है वहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, जनवरी एंड मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वहां पर है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो जिस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है वो ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पेबल्स देख सकते हैं। दो पेबल्स हैं यहाँ पर और ये मेरा फेवरेट है। ओके, तो देख लो कौन सा आपको चाहिए पेबल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और फिर हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। देखो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना। ओके, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के जैसे देखते हो और उसके बाद फिर गालियां बकते हो कि ये चीज रेजोनेट नहीं हुई, वो चीज नहीं, भाई मैं क्या करूं, जनरल रीडिंग है, कुछ चीजें आपसे होंगी कुछ चीजें रेजोनेट नहीं होंगी, तो वैसे ही देखो ना। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, भले ही मैं इस तरीके से बात करूं कि वो ऐसा होगा और वो ऐसा करेगा, उसका नेचर ऐसा होगा, दिखता होगा, भले ही मैं कितना भी ऐसे बात करूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगता है ना, लड़की हूं तो फिर वैसे बोलने में आराम लगता है मुझे, लेकिन ये जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके जी,
तो चलो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है हग्स पेबल को ओके इसको बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है ओके तो अगर इसलिए मैं हंस गई सॉरी ओके तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया है और ये वाला ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है जहां पर मंथ कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। कोशिश मैं पूरी करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा चाहूंगी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि एनर्जी रीड करनी होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि किसी की एनर्जी बहुत हैवी आ रही होती है तो रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एनीवेज फिर भी मैं ट्राई करूंगी, कोशिश पूरी करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छी रीडिंग दूं, कोई भी मन में सवाल ना रहे। तो शुरुआत करते हैं मेजर काना से ओके। चलो ओके, एक कार्ड अच्छाई के नाम और दूसरा कार्ड किसके नाम, बुराई के नाम। तो ये कार्ड्स हम निकाल लेंगे और ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है, और सारे एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में एक ऐसी बात मैं बताऊंगी जिससे कि आप तुरंत पहचान लें कि वो व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो ये हम साइड में रख देते हैं आप, और अब हम पूरी रीडिंग करेंगे। चलिए जी, आप साइड में आ जाओ और आप यहां आ जाओ ओके। ये जो भी व्यक्ति है ना उसको एनिमल्स बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। हो सकता है फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकता है कि चैरिटी से जुड़ा कोई काम करता हो ये व्यक्ति एनिमल्स को लेकर, एंड या फिर इसके घर पे काफी सारे एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर फोटोग्राफर हो सकता है, एंड पता नहीं क्या, लेकिन एनिमल्स काफी सारे मुझे दिखे, तो कुछ तो कनेक्शन है, या तो टेलीपैथिकली ये कनेक्ट होंगे एनिमल्स के साथ, जैसे कि मैं तो ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। तो किससे होगी शादी, सबसे पहला कार्ड देखते हैं। ऑल राइट, द टॉवर, और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, वेट ये जो भी व्यक्ति है ना ये काफी ज्यादा स्पेशल होगा। ये जनरलिस्ट रीडिंग है ओके, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लेना, मैं ऐसे बोल रही हूं, ठीक है। काफी ज्यादा ये व्यक्ति स्पेशल होगा और इसकी लाइफ में ना वैसा ही होगा जैसे हो सकता है आपको भी लगता हो कि हर वक्त कोई ना कोई साइकिल चलता ही रहता है। एक एंड हुआ दूसरा शुरू, एक फिर दूसरा एंड हुआ तीसरा शुरू, और हर बारी जो साइकिल चलता है वो इतना पेनफुल होता है कि क्या ही कहने, ठीक है। ये व्यक्ति वो सब कुछ झेलता जाएगा, सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और मैं देखूंगी कि इसका हाल क्या होगा आगे। क्योंकि जब ऐसा होता है किसी के साथ तो वो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले लेता है और एक पत्थर के समान बन जाता है अगर वो प्रॉपर हीलिंग ना करे तो। फिर उसको किसी के लिए दुख दर्द कुछ महसूस नहीं होता। तो मैं देखने वाली हूं कि आगे क्या होगा, लेकिन शुरुआत तो ऐसी हुई है। ऐसे लोगों से ये व्यक्ति घिरा रहेगा जो कि हमेशा कोई ना कोई इस व्यक्ति को वजह देंगे फाइट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में ये रहेगा, एंड
कई बार ये फील करेगा कि ये स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, ओके. और ऐसा हो भी सकता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हों स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियली मैं बता रही हूं, मतलब इमोशनली नहीं, ओके. यस, और देखते हैं राशियां भी मैं बताऊंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है. हो सकता है ये व्यक्ति, मुझे जो दिखा मध्य प्रदेश, तो हो सकता है वहां से ये हो, या फिर वहां से जुड़ा कोई काम करता हो, या ये करती हूं, ओके. जरूरी नहीं है कि रहते ही हूं, कुछ भी कनेक्शन हो सकता है. आप जब मिलोगे ना, तो ये सारे जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूं, पॉइंट्स बता रही हूं ना, उनको याद करना कि हाँ ये चीजें बताई थी, कि किसी ना किसी तरीके से ये पक्का मिलेंगी, ओके. और देखते हैं, ओके. इनको ऐसे घर पसंद होंगे जो कि बाग बगीचे के बीच में हो, और इनके घर के पास भी पेड़ वगैरह लगे होंगे, ओके. और ये किस टाइप के घर होंगे? इन एक तो इनका एक घर नहीं है, दो से तीन होंगे, मैं बता दूं, ये काफी रिच हैं, ओके. और इनका उस टाइप का घर होगा, हट होती है ना ऐसे करके, इस टाइप से, ठीक है, वो घर इनका आपको मिलेगा. और देखते हैं, जो भी चैनल मैसेजेस आएंगे मैं आपको देती जाऊंगी, देखिएगा फिर आगे चल के कितना आपसे रेजोनेट होता है. हो सकता है कि ये लॉयर हो, जज हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि फिर से वही एनर्जी मैंने फील करी है कॉन्फ्लिक्ट्स की. काफी सारे दुश्मन इनके होंगे इसी वजह से. इनकी आदत भी है थोड़ा ना गुस्सा हो जाने की, या फिर लोगों को छेड़ने की, वो आदत है इनकी. कहीं भी आग लगी होगी ना, तो वहां पर जाकर ये मजे लेंगे, वो आदत है इनकी. मतलब वो चीज नहीं है, इंटेंशन बुरा नहीं है, वो चीज नहीं कह रही कि कुछ बुरा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी आदत है. लोगों की होती है ना कि हाँ कहीं लड़ाई दंगे हो रहे हैं तो जाके वहां पे देखा और हंस दी और चले आए, तो वो चीज है. या किसी को तीली लगा दी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा है इनको. बहुत ही उसमें सीरियस मोड में नहीं जाएंगे, ना ही अगर बहुत कोई बड़ी ही लड़ाई चल रही है और कोई भयानक लड़ाई चल रही है, तो वहां पर जाकर ये एंजॉय करेंगे, लेकिन छोटी मोटी बातों पर इनकी आदत होगी ये करने की. इसकी वजह से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इनसे थोड़ा रखेंगे मन मुटाव, ओके. व्हाइट कलर हो सकता है इनका फेवरेट हो, व्हाइट या फिर ब्लू, बहुत ब्लू नहीं, स्काई ब्लू, टर्कोइज होता है ना वो कलर, हो सकता है इनका फेवरेट हो. हाँ ये कैंडल टाइप हो सकता है ये कलर इनका फेवरेट हो, ओके. और देखते हैं, देखो, एक तो ये चीज है कि ये बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, इनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, इनको कविताएं लिखने का शौक होगा, या आर्टिकल्स लिखने का, पढ़ने का. इनका अगर आप रूम जाकर देखोगे तो किताबों से भरा मिलेगा आपको, ओके. ये होगा इनके साथ. और इनको शौक होगा दूसरों के कल्चर के बारे में जानने का, उसका कल्चर कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. बेशक इनको ट्रैवल करने का भी शौक होने वाला है, ओके. कम्युनिटी के साथ रहने का, फेवर करने का और बचाने का, ये कहते हैं ना बीड़ा उठाया है, वो चीज ये करेंगे, क्योंकि इनको ऐसे लगेगा कि अगर आपकी कम्युनिटी आपके साथ है, सोसाइटी आपके साथ है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ओके. यूनिटी वर्ड,
मुझे सुनाई दिया, ठीक है। तो हो सकता है जब ये आपसे बात करें तो आपको ये एग्जाम्पल दें कि देखो जब यूनिटी होती है तो ऐसा हम कर सकते हैं, देखो उस इस कास्ट के लोग या उस धर्म के लोग देखो यूनिटी बनाकर रखते हैं ना, तो देखो क्या कुछ कर डालते हैं, ये सारी बातें ये करेंगे और ट्रेडिशंस को काफी ज्यादा ये महत्व देंगे। और हो सकता है कि इस सब के चलते जब आप बात करो ना तो आपको ये लगे कि अरे कितना ओल्ड फैशन है ये व्यक्ति, क्योंकि ऐसे लोगों को बोल देते हैं लोग इस तरीके से, ठीक है। बट ये हैं वैसे पुरानी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको इम्पोर्टेंस देने वाले, उनको फेवर करने वाले, उनके लिए खड़े होने वाले, क्योंकि इनको लगेगा कि उसी से आपकी अथॉरिटी जो है, आपका ओहदा जो है वो बच सकता है। सम्मान के भूखे होंगे, ये सम्मान चाहिए हर जगह से कैसे भी करके। ओके, और देखते हैं देखो दे निकल कर आया है कार्ड दी लवर्स। बहुत अलग अलग हो गए आप दोनों बहुत ही अलग अलग। ओके, अगर ये ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले हैं तो आप बहुत ही कम फॉलो करने वाले होंगे। आपकी आदत ऐसी होगी कि वो करो जो सही है, वो नहीं कि जो परंपराएं बन चुकी हैं। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो और इनकी आदत वैसी हो, लेकिन जो भी है आप लोग काफी अलग अलग होंगे, बट फिर भी कनेक्शन आपको फील हो जाएगा। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, बाय द वे ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका, ठीक है। चैरियट भी है यहाँ पर आपके लिए, और जो कि मैंने आपको बोला था कि इनको हो सकता है ट्रेवल करना बहुत 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 पसंद हो, और यहाँ पर कार्ड भी आ गया है। लॉन्ग ड्राइव पर जाना, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ रहना इनको बहुत पसंद होगा। इनको जब भी जैसे भी टाइम मिलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ ये मिलेंगे और पार्टी वार्टी करना इनको पसंद होगा। अच्छा, जब आप इनसे मिलोगे ना तो आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाओगे इनसे, क्योंकि इनके अंदर वो अदाएं हैं किसी को भी इम्प्रेस करने की, चाहे मेल हो या फीमेल, मतलब जो भी आप हो, आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो, या मेल हो तो रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है। तो एक तो ये स्माइल बहुत अच्छी होगी और स्माइल करते भी रहेंगे, और इनको ना पता होगा कि मुझे किसी को कैसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले होंगे चीजों को। किसी से भी मिले, बात किया तो ऑब्जर्व करते हैं, ओके इसको ये, ओके इन लोगों को ये पसंद आता है, ओके ये चीज लोगों को पसंद आती है। और इसका एक मैं बताऊं, एक और चीज इससे जुड़ी कि ऑलराइट वैक्स आ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस। बाय द वे ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है, बट फिर भी हम कार्ड्स के बीच में ये नहीं जाते, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, ये देखिएगा ये वैक्स का ये शेप बना है, ये जब भी सूखता है इस तरीके से होता है, सूखता है तो मैं इसको रख लेती हूँ। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, आपकी रीडिंग में आया है तो हो सकता है बहुत जल्द आपकी शादी हो जाए। कल भी किसी की मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी तब इसी टाइप से हुआ था, आई थिंक स्वीटी का नाम था निधि, उसकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई थी। और हो सकता है कि आपको गुड न्यूज जल्द ही मिले, इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं, बना रहने देते हैं इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। जी मैं आपको बता रही थी कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी को कैसे इम्प्रेस करे, क्योंकि ये काफी लोगों को ऑब्जर्व करेगा, आदतों को। और हाँ, ये इसको जोक्स मारने बड़े पसंद होंगे, तो सीधी सी बात है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कितनी भी गंभीर सिचुएशन हो, लेकिन कोई हल्का ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे भी जोक्स करते हैं जिन पर गुस्सा आ जाता है, तो उस टाइप की ये जोक्स नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा कि किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। सीधी सी बात है कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, है ना, टेंशन कम करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, ऐसे लोग हमें चाहिए अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। चैरियट का यहाँ पर कार्ड है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसको ट्रेवल करना पसंद होगा, ट्रेवल करेगा, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा। एंड चैरियट का मतलब ये भी है कि इसको बड़े अच्छे से पता होगा कि ये कैसे बैलेंस बनाए अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में। आप समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति अकेला भी है तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मस्त रहेगा अपनी लाइफ में। ओके, इस टाइप का बंदा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से ये हैंडल करेगा। ऑल राइट, जस्टिस लवर,
हो सकता है कि तुला राशि का हो ये व्यक्ति, और वही मैंने कहा कि बैलेंस इसके लिए बहुत मैटर करेगा। अच्छा, अपनी फैमिली को ये बहुत इंपॉर्टेंस देगा, और कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए कुछ करे इस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस देगा। अगर आपने कुछ भी थोड़ी सी भी छोटी सी भी हेल्प इस व्यक्ति की कर दी ना, तो बस ये फिर तो यही सोचता रहेगा कि मैं इसको कैसे हैप्पी रखूं, मैं इसके लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड हाँ, बट ये तो है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मान लो आपने कुछ किया, फिर ये करेगा, फिर आपको भी करना है, तो इसको लगेगा कि इसी तरीके से जिंदगी अच्छी चलती है, ये इसकी सोच है इस व्यक्ति की। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फैमिली में कोई लॉयर हो, जज हो, या ये खुद हो, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ये। बाय द वे, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि लॉयर हो सकते हैं, फिर से ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने रिपीट कर दिया आपको। इनको ऑनेस्टी काफी पसंद होगी, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इनसे बातें आप ना छुपाना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो इनसे बातें छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं, ये फिर उनको अपनी लाइफ में नहीं रखते। ये मैसेज मुझे अभी मिला, चैनल मैसेज था तो मैंने आपको दे दिया। ओके, रिश्ता खराब करना हो तो बात अलग है, दूर जाना ही है तो बात अलग है, अदरवाइज तो इस बात का ख्याल रखिएगा। रिस्पेक्ट का भूखा बंदा या बंदी, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होगी, बहुत इमोशनल होगा ये व्यक्ति, और बहुत कम लोगों के लिए। किसी से प्यार होगा, और जिससे प्यार होगा बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि अगर वो व्यक्ति इससे अलग हो तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के लिए, जैसे फैमिली से बहुत प्यार करेगा ये व्यक्ति, आपसे करेगा, मतलब अपने पेरेंट्स से, आपसे, और कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए प्यार नहीं होगा इसको, लेकिन जिसके लिए होगा बहुत होगा। ये कुछ भी कर जाए ऐसा बंदा है। ऐसे कहते हैं ना कि आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे, तो वो चीज है। इसको हमेशा कुछ नया करना पसंद होगा, इस व्यक्ति को हमेशा कुछ नया करो, कहीं घूमने जाओ, कुछ नया बनाओ। आर्टिस्ट हो सकता है ये व्यक्ति, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब कुछ करना पसंद हो। एक जैसे माहौल में अगर ज्यादा टाइम तक ये टिका, तो बिल्कुल ही आपको बोलेगा कि मैं पागल हो जाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगी, तो मुझे चेंज चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो एक चीज है जो कि थोड़ी सी हो सकता है आपको, मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि ये समस्या है, वो ये कि व्यक्ति थोड़ा सा कान का कच्चा हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ से। मतलब बाहर वाले क्या बोल रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली को बहुत प्यार करता है व्यक्ति, तो फैमिली में अगर कोई भी इस व्यक्ति को कुछ बताएगा ना, तो बिना जांचे परखे ये बिलीव कर लेगा, और पता चले कि फाइट करने लग जाए, तो इस बात का काफी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ओके, और ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे, तो हो सकता है ये आपको कंफ्यूज्ड लगे, आपको जल्दी जवाब नहीं दे, शादी के लिए हाँ नहीं बोले, ये सारी चीजें होंगी। भागने की कोशिश करे, छिपने की कोशिश करे, ओके, अटकाने की कोशिश करे, तो ये होगा। अगेन, इक्वल गिव एंड टेक, बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, तो ये रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिम्मेदारियां सारी निभाएगा ये व्यक्ति, पति या पत्नी बनकर, जो भी हैं आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। एम्परर, बड़े अच्छे से इस व्यक्ति को पता होगा कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे डिसीजंस लेते हैं,
बहुत जल्दी भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेगा और दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है, सक्सेसफुल है, ढेर सारा पैसा होगा और ढेर सारा सम्मान भी होगा। मैं इसको यहां रख देती हूँ, ठीक है, सम्माननीय व्यक्ति। अब मैं थोड़ा बताती हूँ आपको राशियों के बारे में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये राशियां मुझे दिख रही हैं। इससे हटकर भी हो सकती हैं, कह नहीं सकते, लेकिन ये एनर्जी मुझे ज्यादा डोमिनेटिंग लगी तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूं, 5'10" हो सकती है, उससे कम हो सकती है, 5'5" से कम नहीं होगी। अभी जो रीडिंग मैं सुबह लेकर आई थी उसमें भी इसी तरीके की इमेज बन रही थी, फेयर टू व्हीटिश, कुछ लोगों के लिए डार्क, बहुत ही कम लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके सिर पर बाल नहीं हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बाल छोटे हों, कलर्ड हों, और वॉच पहनना इनको बहुत पसंद होगा। मतलब कुछ तो वैसे ही पहनते हैं कि जरूरत है ना, वॉच के बगैर कैसे बाहर जाएंगे, लेकिन इनको पसंद होगा, इनके पास कलेक्शन होगा। शूज का भी आई थिंक कलेक्शन हो सकता है एंड कपड़ों का शौक होगा, महंगे कपड़े। एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, डॉग्स आई थिंक, यस। ओके, एक जो मैं चीज आपको बताऊंगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा। जैसे कि ये इमेज आप देख लीजिए, इस व्यक्ति के यहां कान के पास, यहां गर्दन पर तिल होगा, ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन फिर भी। अब यहां पर अच्छाई एक और बुराई एक देखते हैं। लवर्स, तो अच्छा ये है कि जिससे प्यार करेंगे उसके लिए लॉयल रहेंगे, कभी किसी और को ये नहीं देखने वाले, सच्चा प्यार। ट्रू लव क्या है इनसे पूछो, ओके, ये चीज इनके साथ, ये सबसे अच्छी चीज है इनके अंदर। और बुरा ये है कि अगर इनसे कभी कोई गलती हो गई तो ये उसको याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे उस मेमोरी को बार 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 बार, तो ये चीज थोड़ा सा उनको तकलीफ दे सकती है और हो सकता है आपको भी थोड़ी सी तकलीफ दे, क्योंकि हो जाता है ना कि वही चीजें क्यों बार बार याद कर रहे हो यार, आगे बढ़ो, तो वो चीज है। माइंड ओवरथिंक करना बहुत ज्यादा और कुछ बातों पर जल्दी भरोसा कर लेना एंड थोड़ा चेंज चाहना बार बार, ये चीज ऐसी है जो शायद आपको इनकी तरफ से थोड़ी सी तकलीफ दे। और देख लेते हैं, ये आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और जब भी आपको लगेगा कि आप काफी लो फील कर रहे हो, ये आपको अच्छा फील करवाएंगे, ये अच्छा है। ये आपको बताएंगे कि किसी से भी अगर बात मनवानी है ना, तो किस तरीके से आप चुप रहकर मनवा सकते हो, ओके, ये ट्रिक्स आपको शेयर करेंगे कि अगर कोई किसी से बात मनवानी है ना, तो उसके सामने मुंह लटका के बैठ जाओ और फिर वो व्यक्ति खुद ही पूछेगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ऐसे आता था ना एक शॉर्ट में यूट्यूब में, क्या हुआ मेरा बच्चा, ऐसा, तो वही चीज है। तो इनको पता है कि ऐसे कन्विंस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये बिन कहे आपकी काफी सारी बातों को समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि इन कार्ड्स का मतलब कुछ अलग भी है, लेकिन यहां पर मैं इस तरीके से ले रही हूं, ओके। सो ये रहती है आपकी रीडिंग, अब यहां से हम कुछ देख लेंगे, कुछ और भी आपको मिलता है। पायलट, तो ये पायलट हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, फेयर होंगे, और वैसे भी फेयर होंगे, यानी कि जस्टिस को पसंद करने वाले सिंगर हो सकते हैं, चाहे बाथरूम सिंगर ही क्यों ना हो, ठीक है। शॉपकीपर, तो हो सकता है अपनी शॉप होंगे, IAS भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, CACS, ओके, प्रोफेशंस हैं ये,
ब्लैक आईज, काली काली आंखें और गोरे गोरे गाल, लेक्चरर या टीचर भी हो सकते हैं. ओके अब मैं देख लेती हूं कि कब तक आपकी शादी होगी, टाइम क्या रहेगा. ट्वेंटी फिफ्थ से थर्टी फिफ्थ तक की एज हो सकती है, कुछ लोगों की ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी एज मुझे दिखी है. पच्चीस से पैंतीस तक के ये होंगे जब भी मिलेंगे. समय कब तक शादी होगी, दो कार्ड्स आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं एक्चुअली, बट नहीं मैं दो ही लूंगी, दो काफी हैं. वर्ल्ड एंड टेम्परेंस, टाइम लगेगा बट फिर भी ये एक्चुअली ना दोनों ही कार्ड्स यही बताते हैं कि भाई टाइम लगने वाला है. नवंबर दिसंबर है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये टाइम लगेगा ऐसे समझ लो. इस साल तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, नेक्स्ट ईयर और 23, 24, 25 मैं कहूंगी विद इन 3 इयर्स आपकी शादी होगी. ओके ऐसा है यहां पर. और एक चीज है, यहां पर एक साइकिल एंड होना है आपका, कोई लेसन आपको मिलना है, लास्ट लेसन है, उसके बाद आपकी शादी होगी. ठीक है मैसेजेस मुझे मिले हैं. शनि भगवान को आप लोग पूजा करो, ठीक है, किस तरीके से पूछ सकते हो वो आप पूछ लेना आसपास जो भी लोग हैं, मतलब कोई तो होंगे ना बताने के लिए, क्योंकि सभी के तरीके अलग अलग हैं. मेरे अनुसार तो वही है कि आप ऑयल उनको चढ़ा सकते हो एक बाउल में लेने के बाद में ऑयल, उसमें अपना चेहरा देखना है और फिर वो दान कर देना है, शनिदेव को दिया लगाना है, ठीक है. लेकिन कुछ और तरीके हैं तो वो कर सकते हो, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है तो मैं आपको दे रही हूँ, ये काम आएगा. और ये टाइमिंग जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, मंथ यही रहेगा नवंबर दिसंबर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 साल दिख रहे हैं तो वो ये जो टाइमिंग है ये कम हो जाएगी ऐसा समझ लो. और ये बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि ये रेमेडी काम करती है, ठीक है. सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय. हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस पेबल को प्रे, ये है ब्लैक टर्मलिन, जिन्होंने ब्लैक टर्मलिन को चूज किया है और चूज किया है ग्रुप नंबर 2, जहां पर मेरा भी बर्थ मंथ आता है बाय द वे. तो चलिए देखते हैं कि भाई किससे होगी आपकी शादी. तो मैं ना पहले देखने वाली हूं मेजर का नाम, और यहां से हम देखेंगे एक अच्छाई और एक बुराई, और वो कार्ड्स मैं साइड में रख दूंगी और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताती जाऊंगी दूसरे कार्ड से, और लास्ट में फिर हम इसको देखने वाले हैं. ओके चलिए, राइट गाइस, तो ये दो कार्ड्स हो गए, इनको हम लास्ट में देखेंगे, सस्पेंस. चलिए अब हम और सारे कार्ड्स देखते हैं और पता लगाते हैं कि किसके साथ में होने वाली आपकी शादी. और गाइस मैंने माँ काली के भी कार्ड्स मंगवाए हुए हैं, जिनकी रीडिंग मैं सत्यवेद साधकी पर मैंने की है. पता नहीं किचन में कुछ बन रहा है जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, छोंक लगाया कुछ छोंक. ओके तो आप वो रीडिंग जरूर देखना, माता काली के मैसेजेस देखना, देखिए कि वो आपको क्या बताना चाहती हैं. चलो भाई पता लगाते हैं कि जिनके साथ में होगी आपकी शादी कौन होंगे, कैसे होंगे. ओके तो ये जो भी हैं इनको मिठाइयां बहुत पसंद होंगी, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए. और मिठाइयां मतलब सब कुछ, चॉकलेट्स, मिल्क, आइसक्रीम बहुत शौक होगा इनको.
ओके द टॉवर कोइंसिडेंस, जिन्होंने ग्रुप नंबर वन सिलेक्ट किया था ना उनका भी पहला यही कार्ड था और यहां पर भी यही कार्ड आया है. ओके तो काफी ज्यादा ये वही बताऊंगी कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में ये रहेंगे हमेशा ही, लड़ाई झगड़ों में. तो ये कोई लॉयर हो सकते हैं या इसी तरीके की कोई जॉब करते हो, पुलिस में हो सकते हैं, ये फौज में हो सकते हैं. ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जिनसे इनको हर दिन लड़ाइयां करनी पड़ सकती हैं या इनके एनिमीज कई सारे होंगे, जिद्दी भी हो सकते हैं. एंड इनकी लाइफ में ना साइकल्स हमेशा ही चलते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये उनको फेस करेंगे और आगे निकलते जाएंगे. काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे बट ये कई बार अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेंगे. ठीक है, पाइल वन में तो मैं फाइनेंशियली देख रही थी कि कई बार ऐसा होगा, ये जो भी जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे उसमें कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे कि खुद को अनस्टेबल महसूस करेंगे फाइनेंशियली. बट यहां पर मैं देख रही हूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इमोशनली भी ये खुद को अनस्टेबल फील करें, इस ग्रुप में ऐसा लग रहा है मुझे. वजह ये रहेगी कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इनके विरोध में होंगे और वो चीज कभी ना कभी हमें थोड़ा सा लो फील करवाती है, तो वो चीज रहेगी. ओके कन्या राशि के हो सकते हैं ये या हो सकती हैं ये. येलो कलर येलो कलर इनको बहुत पसंद होगा. ओके ऑल राइट, जब आपको ये मिलेंगे ना तो ये स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने करियर के लिए और यस फाइनेंशियली भी मुझे ये बहुत स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त. एंड हो सकता है इनका कोई लॉस भी हुआ हो, ये भी रीजन है. दूसरा ये कि हो सकता है इनकी फैमिली से इनकी ना बनती हो, ये फैमिली से अलग हो. ठीक है, हो जाता है ना कई बार फाइट हो गई फादर से और घर अलग कर लिया है ना, बिजनेस अलग कर लिया कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं करना है काम. या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फादर नहीं हो, वो भी एक रीजन है और इन पर काफी सारी जिम्मेदारियां आ जाए और ये सब कुछ हैंडल करें. जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है इन पर लोन हो, कई लोगों का पैसा इनको लौटाना हो, बैंक को भी और लोगों का भी. ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं. कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकता है ये उसका काम करें, या जैसे कि मैंने कहा कि फौज में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, और नहीं तो ये काम करेंगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका बिजनेस, इनका घर का बिजनेस हो ये. ठीक है, yes. ये ना बहुत ही लोनली फील करेंगे, ये बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही हैवी एनर्जी है, अकेलापन सा, लोगों के आसपास होने के बाद भी अकेलापन महसूस करना. यस, ये बहुत से लोगों के सामने बोलना भी ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, इंट्रोवर्ट टाइप होंगे, आपसे ही घुलेंगे मिलेंगे, आपसे ही बातें करेंगे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा इनका बोलना चलना नहीं होगा लोगों से. ठीक है, यस अगेन, ये थोड़ा सा ना चुप रहना पसंद करेंगे और अपनी बातें इनको शेयर करना पसंद नहीं होगा. ठीक है, आपको ना इनकी पर्सनालिटी मिस्टीरियस ही लगेगी, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, लेट मी टेल यू. साइकिक हो सकते हैं, लाइक इनको ड्रीम्स हो सकता है आ जाए पहले से ही, कुछ लोगों के साथ ही होता है, लाइक मेरे साथ भी है कि मुझे ड्रीम्स पहले से ही आते हैं कि क्या होने वाला है, तो उस तरीके से हो सकता है इनको हो. अगर मैं मूवीज की बात करूं ना तो इनको हॉरर मूवीज बहुत पसंद होगी, कॉमेडी को देखने से ज्यादा ये हॉरर मूवीज को प्रेफर करेंगे. ये
ये ना एक मैं आपको बात बताऊं, ये खुद को होशियार बहुत समझेंगे, पता है कि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, ऐसे लोग कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे मेरे से ऐसे करोगे, मुझे बताओगे, हाँ मुझे सिखा रहे हो वो चीज, ठीक है, आई थिंक कि आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूं वो चीज इनके अंदर बहुत होगी, बोलेंगे नहीं ये किसी से भी ये चीज, लेकिन ये इनके माइंड में रहेगा, अरे मेरे को बताएगा। ओके, और इसी वजह से आई थिंक इनकी फाइट भी होती है। वैसे ही इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलना इनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी फाइट होगी, तो ये रीजन हो सकता है। अगर इनको कोई भी सलाह देगा ना, तो इनको ये लगेगा अच्छा मुझे सिखा रहा है ये वाली चीज ओके, और देखते हैं एक चीज और है, शक करने की आदत होगी हर किसी पर, सेल्फ लव बहुत होगा, अकेलापन महसूस करने के बाद भी ये वाली एनर्जी होना, तो सीधी सी बात है अपनी वैल्यू को समझना और लोगों को शो करना कि मैं कुछ हूं, ये भी चीज इनके अंदर होगी। ओके, मैं कुछ हूं, सेल्फ लव से ज्यादा आई थिंक ये चीज रहेगी कि मुझे कुछ समझो। हाँ, क्या कहते हैं, अटेंशन पाने की इच्छा रहेगी, अटेंशन सीकर, तो ये वो है। एक तो अट्रैक्टिव भी है, बात ये है ना टी या कॉफी इसकी आदत होगी इनको, ठीक है। रात में ही घूमना निकलना इनको, घूमने के लिए निकलना इनको पसंद होगा। दिन में अगर आप ट्रेवल करने के लिए कहोगे तो शायद ये आपको ना बोल दें, लेकिन रात में निकलने की बात करोगे तो हाँ ठीक है चलते हैं घूमते फिरते हैं, क्योंकि ये इनको शांति पसंद है। और दूसरा वो नेचर है ना, छिपे रहने वाला वो चीज है इनके अंदर। ये होता है जब आपका सैक्रल या रूट चक्रा वीक हो, अनबैलेंस्ड हो, तब ये चीज होती है, और इसी वजह से इनकी फाइट होती है लोगों से, ये चीज है इनके अंदर। आप इनको हेल्प करिएगा इससे बाहर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है इनके लिए। और देखते हैं, काफी रूड से साउंड करेंगे आपको ये जब आपसे बात करेंगे, हाँ ना ओके ठीक है ये वाला नेचर। ओके, सख्त से कहते हैं ना, सख्त बंदा बंदी, तो वो चीज है इनके साथ होगा। सच सुनना इनको पसंद होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में मिस्टरीज काफी सारी रही होंगी, इनके पेरेंट्स को लेकर भी, फ्रेंड्स को लेकर भी, रिलेटिव्स को लेकर भी, तो एक वो चीज रह जाती है ना कि मेरे से जो भी मिलता है वो बातें छिपाता ही है, तो इनको सच सुनना पसंद होगा। जो चीज हमारे पास नहीं होती है ना, वही चीज हम उसी के लिए एक क्रेविंग सी आ जाती है हमारे अंदर, तो वही है। तो इनका दिल अगर आपको जीतना है ना, तो सच बोलिएगा। ओके, ये थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं ये, स्पेशली इनके काम को लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, तो सभी लोग इसको नहीं लेंगे, सिर्फ 5% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये डिवोर्सी हो या मैरिड हो जब आपको मिलेंगे, और ये उसके लिए आपको मैनिपुलेट करें कि हाँ मैं अभी डिवोर्स दे रहा हूं या मैं अभी डिवोर्स दे रही हूं और ये सब कुछ। ओके, 5% लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है, तो बुरा मत मानना, इम्पोर्टेंट था मैसेज देना इसलिए मैंने आपको दिया। ओके, तो थोड़ा मैनिपुलेट करने की आदत है, खुद सच सुनना है लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट करना है। अगेन पता नहीं क्यों बार बार मुझे वो एनर्जी दिख रही है, नहीं घमंड वाली वो चीज, शो ऑफ करना, देखो मुझे मैं क्या हूं कौन हूं ये चीज। अगर विक्ट्री मिल गई ना किसी भी चीज में, तो ऐसे उड़ना ना आसमान में, और सबको लोग कहते नहीं ये फैल गए, तो फैल जाने वाली आदत कि देखो मैंने कर दिखाया, ठीक है, वो चीज इनके अंदर होगी। बड़े जिन लोगों को ये बड़ा समझेंगे, चाहे वो पैसे में हो चाहे वो नॉलेज में हो, इनकी नजर में जो लोग बड़े हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, अरे वो तो इनकी नजर में जो भी बड़ा हो, अगर ये उनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर ये उनसे बात करते हैं और उनके साथ में इनकी फ्रेंडशिप रहती है, तो इनकी आदत होगी हर किसी को ये दिखाना। और ये पता कब होता है, जब हमें सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं,
वही मैंने कहा कि सेल्फ लव और इसका इस एनर्जी का कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वही चीज है कि प्यार है और प्यार नहीं है, ये चीज हो रही है इनके साथ। ठीक है, मतलब मुझे समझो, मुझे कुछ समझो, ये वाली एनर्जी। और इतने टॉर मोमेंट्स आने के बाद भी मुझे समझ आ रहा है कि आपसे ये क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो ऐसी है कि आप दूसरों की अवेकनिंग करवाते हो। सीधी सी बात है, आप इनको हेल्प करोगे ये समझने में कि बड़ा छोटा क्या है और हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। दूसरों को दिखाने से बेहतर है कि हम क्या हैं वो हम समझें और खुद को दिखाएं। ओके, तो ये चीज रहेगी। इसका एक रीजन ये भी है कि हो सकता है इनके, जैसे कि मैंने कहा कि इनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे इनके रिश्ते नहीं रहे होंगे, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हमेशा इनको बोलते हो कि ऐसा बनना चाहिए था, वैसा बनना चाहिए। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहती हूँ जिनके बच्चे हैं अभी, अगर यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं किसी वजह से, हो सकता है अपनी सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, और आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो चीज आप लोग करते हो ना, ये मत किया करो। किसी से किसी को कंपेयर करना एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वरना बच्चे ऐसे ही बन जाते हैं, घुटने लग जाते हैं और फिर उनका नेचर ये बन जाता है, खुद को बेकार समझते हैं और फिर या तो वो बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, अदरवाइज वो ये काम करने लग जाते हैं कि देखो मुझे, मैं हूं वर्दी, तुम समझो मेरी बात को। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए किड्स के साथ। काफी जिद्दी होंगे और कुछ डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ऐसा नेचर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके अनुसार चलें, तो आपको इनको ना प्यार से डील करना होगा। अगर आप गुस्से से डील करोगे और जबरदस्ती कोई काम करवाना चाहोगे, तो ये उस तरीके के व्यक्ति हैं कि ठीक है अब तुम मुझे मार ही डालो, तुम्हारे अनुसार तो मैं चलने से रहा, अब ऐसा करो अब तुम मुझे मार ही डालो। ठीक है, वो वाली एनर्जी। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना होगा कि आप इनके इनसे बहुत ही अच्छे से काम, इनकी हीलिंग तक अगर आपको करवानी है, तो बहुत अच्छे से इनको कन्विंस करना होगा प्यार से। ओके, एक मन में इनके विचार होगा कि ये चीजें नहीं होती कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सच ये नहीं है, सच ये है कि जब आप बुरा करते हो तो आप हैप्पी रहते हो। ठीक है, ये मैसेजेस मुझे मिले हैं, ये सच में हील्ड नहीं है, इनकी हीलिंग बहुत जरूरी है। काफी क्रिएटिव होंगे ये, और फिर से मुझे वही मैसेजेस मिल रहे हैं कि शायद ये अकेले हों अपने पेरेंट्स से अलग, या फिर जब आपसे शादी करेंगे तो उसके बाद ये अकेला रहना, मतलब अलग रहना, अकेला नहीं अलग रहना पसंद करेंगे फैमिली से। इनकी रिलेटिव्स के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बनती नहीं होगी और बहुत फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, ये अपने में ही खोए रहने वाले उस टाइप के व्यक्ति हैं। पेंटिंग करना इनको पसंद होगा, तो इस टाइप के आप समझ सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए कि मुझे लगता है ये मैरिड होंगे, तो सी यहां पर आया भी है उस तरीके से कार्ड। ओके, हो सकता है ये डिवोर्सी हो, इनका बेबी भी हो, पॉसिबल है, और ये बातें आपको नहीं बताएं जब ये मिले, सिर्फ 5% लोगों के लिए। बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने घर में सबसे छोटे हों, इनकी एक सिस्टर हो इनसे बड़ी, और काफी गैप हो दोनों में, इनको काफी लाड़ प्यार से रखा भी गया हो कुछ लोगों की तरफ से, और हो सकता है फादर के साथ में इनके इश्यूज ज्यादा हो। हालांकि फैमिली के साथ ही ये खुश नहीं दिख रहे, लेकिन शायद फादर की तरफ से इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। ओके, यस, अगेन वही मैसेज आ रहे हैं कि काफी जिद्दी होंगे और इनकी एक आदत और भी होगी, नियमों का पालन करना इनको बहुत पसंद नहीं होगा। ऑलराइट, ये स्वतंत्र रहना चाहेंगे और इसी वजह से हो सकता है कि इनकी फैमिली से ना बने। ओके, पल में इधर पल में उधर, कोई भी ऐसी एनर्जी ये नहीं चाहते हैं जो इनको दबाकर बांध कर रखे, वो चीज काफी ज्यादा
उनको तकलीफ देगी, तो ये भी रीजन हो सकता है। स्वतंत्रता चाहते हैं और जो लोग भी स्वतंत्रता चाहते हैं उनकी लड़ाइयां जरूर हो जाती हैं। ओके ओके, काफी क्लेवर है, दिखाई दे रहा है। ये हमेशा सवालों में घिरे रहेंगे, तो हो सकता है आप इनके सवालों के जवाब दें, इसीलिए आपकी मीटिंग होगी, इसीलिए आप दोनों जुड़ोगे और आपके जो मन में सवाल हैं उनके जवाब ये आपको देंगे। तो ये कनेक्शन ऐसा है, सोनमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, जब आपको ये मिलेंगे तो शायद आपको इनकी बातों से ये लगे कि जीवन से हार चुके हैं, मतलब थक चुके हैं परेशानियों से, और आप इनको एक नई दिशा दोगे लाइफ की, और किसी तरीके से ये आपको हेल्प करेंगे एक मतलब कुछ नया करने के लिए। ठीक है, ऐसा होगा, पूरक हो एक दूसरे के, ये है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कुछ चीजें आप सिखाएंगे, कुछ चीजें ये सिखाएंगे, और आप दोनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर जिंदगी जियोगे एक दूसरे के साथ। अगर आप बहुत बंद कर रहते हो ना, तो ये आपको फ्री रहना सिखाएंगे, इसीलिए ये फ्रीडम लवर हैं। और जहां पर ये खुद को थका हुआ महसूस करेंगे वहां पर आप इनको एनर्जी दोगे, तो ऐसे ये आपकी शादी चलेगी। तो लवर्स, जो कि मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों पूरक हो एंड आप देख सकते हो, एंड आइसोलेशन, सी मैंने ये भी आपको बताया था, तो एक तरीके से आपका अकेलापन ये दूर करेंगे और इनका आप करोगे। और ये वो मतलब ऐसे अकेलापन दूर करने की बात नहीं है, ये शादी होगी साथ साथ रह रहे हैं, नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देख लेते हैं कि क्या बहुत अच्छा है और क्या बहुत बुरा है इनके बारे में। ओके, तो अच्छा ये है कि ये लोगों को हील करना पसंद करेंगे, लोगों को गाइड करना पसंद करेंगे, हो सकता है ये स्टार सीड हो, और आप जब मिलोगे तो आप इनको बताओगे और इसी तरीके से इनकी हेल्प होगी, राइट। जैसे कई लोग यहां पर मुझे बोलते हैं स्टार सीड के बारे में, हमें कुछ भी पता नहीं था, हमें आपके थ्रू पता चला, वैसे आपके थ्रू इनको पता चलेगा, और जब इनको पता लगेगा कि स्टार सीड हैं और इनका क्या काम है, इनका पर्पस क्या है, तो सीधी सी बात है अपना पर्पस पूरा करेंगे तो ये खुश रहेंगे, राइट। तो ये चीज है, तो ये एक अच्छा, ये अच्छाई क्या, ये तो अलग ही चीज है, अच्छाई से भी बढ़कर। ओके, और ये काफी ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे इसके जरिए, हो सकता है ऐसा ही कुछ ये करना चाहते हो तभी इनकी फैमिली से नहीं बनती, मान लो ये दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, फैमिली कह रही है अपने बारे में सोचो, स्टार सीड का यही रहता है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ही है। अब बुराई क्या है, बुराई ये है कि ये थोड़े से गिविंग नेचर के ज्यादा होंगे, लाइक बैलेंस होना चाहिए, राइट, और इसीलिए आप दोनों मिल रहे हो ताकि आप इनको बता सको कि कितना देना है, कितना अपने साथ में रखना है। अगर किसी पर प्यार आ गया, कोई अपना लग गया, तो फिर देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी सी इनके लिए ठीक नहीं है। अब यहां से देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है, फिर मैं राशियां और अच्छे से आपको बताऊंगी और पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी। चलिए, एक्टर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, तो ड्रेस डिजाइनर हो सकते हैं, एचआर पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आपकी भी एनर्जी आ जाए, मीडिया पर्सन, स्टूडेंट कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है आप हो, टॉल एंड फेयर होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है बाय द वे, डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, या ये लेक्चरर, ये तो सभी में आ रहा है आजकल, लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था, आईज इनकी हो सकता है ग्रीन हो या ब्राउन भी हो सकती है, बारिश हो रही है बहुत तेज, कवि हो सकते हैं ये, बैंक मैनेजर हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब हो। ओके, पर्सनालिटी वैसे तो यहां पर आ ही गया है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा ओके, ये काफी फिट होंगे, जिम जाना, एक्सरसाइज करना इनको काफी पसंद होगा, बट
समटाइम्स ये बस अपने लिए अपना टाइम चाहेंगे, मतलब कोई भी काम नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना, मस्त रहना, घूमने निकल गए, इस टाइप की इस टाइप का नेचर इनका होगा। बालों का रंग हो सकता है कि ब्राउन हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लैक, एंड ब्राउन, और तो मुझे कोई कलर्स नहीं दिख रहे। इनके कोई खास खास शौक भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनको बहुत ज्यादा कोई ज्वेलरी वगैरह का शौक नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा, और अगर मेल हैं तब भी, या फिर तो इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर ये ज्वेलरी वगैरह नहीं रख सकते हैं पहनकर, पता नहीं, लेकिन बहुत शौक नहीं है, बहुत शौकीन से नहीं दिख रहे, ठीक ठाक है। इनको बस फ्रीडम चाहिए, इनको स्वतंत्रता दे दो, ये खुश हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियां हो सकती हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कुछ लोगों के लिए लियो हो सकता है। दैट्स इट। STUBIHM ये इनिशियल्स हो सकते हैं नेम्स के। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन हो सकती है, जहां के रहने वाले हो, नॉर्थ या फिर मुझे ओशियंस भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां पर ओशियन हो पास में, ये कहीं रहते हो। इनका अपना फ्लैट हो सकता है, जैसे कि पाइल वन में मुझे हट दिखी हुई थी, इस तरीके से इनका मुझे लग रहा है, हो सकता है फ्लैट हो, और काफी बड़ा होगा जहां भी ये रहते होंगे, घर काफी बड़ा होगा, ठीक है। बहुत शौक तो नहीं है इनको ज्वेलरी वगैरह का, लेकिन अगर ये मेल हैं तो इन्होंने कानों में बाली पहन रखी होगी। ओके, ये आप देख सकते हो, और इनके में भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनके गले पर, मतलब कान के नीचे एक तिल हो, ये मुझे पाइल वन में भी दिखा था, ये यहां भी मुझे दिख रहा है, तो आप देख लेना, इससे पता लग जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी शादी कब तक होगी। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगी, ठीक है। ये मंथ्स हैं जिनमें आपकी शादी पक्का होना ही होना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।